सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 45वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 45वां श्लोक अर्जुन के द्वारा कहा गया है। अर्जुन वाच अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि जो देखा नहीं जा सकता था, उस तरह के दृश्य को भी आपकी कृपा से हमने देखा और काफ़ी मैं हर्षित हुआ देख करके, यानी बहुत प्रसन्न हुआ देख करके। परंतु वह जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप को जो आपका उग्र रूप देखा, उसके कारण काफ़ी हमें भय भी हो रहा है और मेरा मन बहुत व्यथित हो चुका है। इसीलिए हे देवेश, देवेश अर्थात देवताओं के भी भगवान, देवताओं के भी ईश्वर, तो हे देवताओं के भी ईश्वर और हे जगन निवास, आप जो है प्रसन्न होइए और मुझे अपना वह देव रूप ही दिखलाइए। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान को देवेश और जगन निवास करके संबोधित कर रहे हैं। जगन निवास अर्थात पूरा जगत जिसके अंतर्भूत है, पूरा जगत जहाँ पर रह रहा, जिसका आश्रय लेकर के स्थित है यह जगत, उसे जगन निवास कहते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो है पूरे जगत के निवास हैं, आश्रय हैं, आप ही आश्रयदाता हैं और देवताओं के भी आप ईश्वर हैं। तो इनके कहने का मतलब यह था कि आप समर्थ हैं कुछ भी करने के लिए, अपना कोई भी रूप दिखलाने के लिए आप समर्थ हैं। तो जब कोई भी रूप दिखलाने के लिए आप समर्थ हैं, तो मुझे अब वह रूप दिखलाइए जिस रूप को मैं पसंद करता हूँ, यानी देव रूप को, यानी कृपा रूप को, यानी वैकुंठ में जो भगवान का चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म का जो रूप है, इसमें एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में पद्म है, तो वह रूप दिखलाइए जो प्रीतिकर है। कहने का अर्जुन का मतलब यह था कि जिससे भय दूर हो जाता है, वैसा रूप हमें चाहिए, वैसा रूप में चाहिए जिससे भय का संचार हो जाता हो। अर्थात दुनिया का कोई भी प्राणी भय नहीं चाहता है, सभी भय से मुक्ति चाहते हैं। और भय से मुक्ति कहाँ संभव है? भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। अन्य रूप भी तो भगवान के ही हैं, जो भी हम देख रहे हैं, राक्षस के रूप भी भगवान के हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सांप, छछुंदर, बाघ, व्हेल, जितने हैं ये सब रूप भी भगवान के हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि आप हमें जो है वह रूप दिखलाइए जो कि प्रसन्न करने वाला हो, जो कृपा रूप हो आपका, वह दिखलाइए। ज्वालामुखी भी भगवान का ही रूप है, बड़े बड़े तारे, ग्रह नक्षत्र, जहाँ पर गैस के पिंड है, वे सभी भगवान के सब भौतिक स्वरूप ही हैं। परंतु अर्जुन इन चीज़ों को हमने देखना चाह रहा, अर्जुन यह देखना चाह रहा है कि जिससे कि उसे प्रसन्नता महसूस हो, यानी इसलिए वो कह रहा है कि आप अपना देव रूप दिखलाइए। अर्जुन ने भगवान के बहुत सारे रूप देखे थे, उन रूपों में एक रूप यह भी था जिसमें कि भगवान को वो देख रहे हैं विष्णु रूप में, तो उस रूप को अर्जुन ने पसंद किया क्योंकि उसे प्रीति प्रेम का संचार हो रहा है, कृपा का संचार हो रहा है। तो वह रूप भगवान को दिखलाने के लिए अर्जुन निवेदन कर रहा है और साथ में यह एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहा है, यह कह करके
कि जो मैं नहीं सोच सकता था, मेरा मन नहीं सोच सकता था, मेरी आंखें जो देखने में समर्थ नहीं थी, वह भी आपने दिखलाया और उससे मैं बहुत हर्षित भी हूँ। परंतु बहुत सारे ऐसे भी रूप मुझे दिखे जिसके कारण मैं बहुत भयभीत भी हूँ और मेरा मन व्यथित हो चुका है। तो बहुत उग्र रूपों को देख करके मन व्यथित हो जाता है, क्योंकि मन बहुत छोटा है, प्राणों का भय मन के सामने आ जाता है। तो जब तक प्राणों का भय है तब तक व्यक्ति आत्मस्थित नहीं है। आत्मस्थित व्यक्ति को प्राणों का भय नहीं होता, वो कैसा भी रूप सामने में आए, कुछ भी आए, वह निश्चल होकर के बैठा रहता है। क्योंकि जब मरने से ही नहीं डरना है तो चाहे कोई भी रूप आए, क्योंकि खतरनाक से खतरनाक रूप क्या कर सकता है हमारे लिए, मृत्यु का कारण बन सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो मृत्यु के कारण से जब हम आगे चले जाते हैं तो अभय अवस्था हमें मिल जाती है, फिर मृत्यु हमें नहीं डराती। और वह अवस्था जो है जिसमें हम मृत्यु से आगे चले जाते हैं, मृत्यु हमें नहीं डराती, उसी अवस्था को कहा गया है कि जन्म मरण से मुक्ति। जब तक मृत्यु हमें डराएगी तब तक हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो अर्जुन यह भी भगवान से कह रहा है कि भगवान प्रसन्न होइए, प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए आप और हमारे पर कृपा कीजिए और हमें आप वह अपना रूप दिखलाइए जो कि हमें प्रीतिकर हो। तो भगवान के दिव्य गुणों में से माधुर्य रस, सौंदर्य रस, आदर रस, ये सब जितने भी रस हैं, ये सब भगवान के दिव्य रूप से जो झलकते हैं, उन रूपों की ही अर्जुन यहाँ पर ख्वाहिश कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि मुझे वे सब रूप ही दिखाए जाने चाहिए। भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, साकार है, निराकार है, साकार निराकार से परे है, सगुण है, निर्गुण है, सगुण निर्गुण से परे है। तो जितने भी स्वरूप हैं भगवान के, सारे स्वरूप तो भगवान के ही हैं। तो हमारे पास जो दृष्टि है देखने की, जैसे कि हमारे ये जो आँखें हैं जो प्रकृति से बनी हुई, ये सब सामान्य जो आँखें हैं, ये इसकी सीमा है, ये सामान्य स्थिति तक ही देख पाता है, बहुत विशेष स्थिति में ये नहीं देख सकता, इसकी सीमा है। बहुत प्रकृति को ही देख सकता है, यहाँ परिवर्तन हो रहे हैं वो भी स्थूल स्वरूप में उतना ही, इसका बहुत छोटा सा रेंज है, बहुत दूर का भी नहीं देख पाता, बहुत नज़दीक का भी नहीं देख पाता, बहुत छोटा भी नहीं देख पाता, बहुत बड़ा भी नहीं देख पाता। उसी तरह से ज्ञान चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु से व्यक्ति भगवान को तत्व रूप से तो जानता है परंतु उससे भी वह विराट रूप को नहीं देख पाता। उसी तरह से भाव चक्षु है जिससे उसे हर जगह जो है भगवान के होने का वो बोध होने लगता है। तो वह जो है वो भाव चक्षु भी भगवान का विराट रूप नहीं दिखलाता। भगवान का विराट रूप जो है दिव्य दृष्टि से दिखता है, तो उस दिव्य दृष्टि को अर्जुन को प्रदान किया गया था और उस दिव्य दृष्टि से ही अर्जुन ने देखा, परंतु देखने के बाद भी उसके मन में संताप ही उत्पन्न हुआ। अंतिम परिणाम यही हुआ कि संताप ही उत्पन्न हुआ और निवेदन करने लगा कि इसको अब रहने दीजिए, मैं देख लिया हूँ, अब मैं आपका कृपा रूप देखना चाहता हूँ। तो यही अर्जुन का निवेदन है। इससे हमें यही मिलता है कि विराट रूप देखने से भी हमारा जीवन धन्य नहीं होता है, वास्तव में हमें संताप ही मिल जाता है। जब तक हमें वह अवस्था नहीं मिल जाएगी जिसमें कि अभय अवस्था आ जाती है, मृत्यु से आगे चले जाते हैं, जन्म मृत्यु से आगे, तब तक जो है कोई भी अवस्था हमें संतुष्टि नहीं दे पाती है। तो भगवान के उस चतुर्भुज रूप को, वैकुंठ रूप को, नारायण रूप को ही अर्जुन देख करके प्रसन्न होना चाह रहे हैं, उसी का निवेदन कर रहे हैं। ओम हरि।